आगे बढ़ते हैं संभागवार खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले रुख करते हैं अजमेर संभाग का, जहां की आज की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे संवाददाता यूनुस खान। नागौर के ताउसर कस्बे में 2019 में अतिक्रमण हटाने के दौरान उपजे विवाद और पथराव मामले में फंसे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के दो विधायकों को गहलोत सरकार ने बड़ी राहत दी है। आज CGM न्यायालय में प्रार्थना पत्र अभियोजन अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। अब 26 फरवरी को न्यायालय में इस प्रार्थना पत्र पर सुनवाई होगी। जोधपुर हाईकोर्ट के आदेश के बाद अतिक्रमण हटाने के मामले में ताउसर के बंजारा बस्ती में 25 अगस्त 2019 को उपद्रव और विवाद मामले के बाद नागौर उपखंड अधिकारी द्वारा कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया था। अब इस मामले में नया मोड़ आ गया। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के दो विधायकों को गहलोत सरकार ने बड़ी राहत दी है। गृह मंत्रालय ने अभियोजन विभाग जयपुर को अनुशंसा पत्र भेजने के बाद न्यायालय CGM में अभियोजन अधिकारी ने न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अभियोजन निर्देशालय ने मुकदमा वापस लेने के आदेश और सरकारी वकील ने मुकदमा वापस लेने की अनुमति के लिए CRPC की धारा 321 के तहत दायर अर्जी पर अब 26 फरवरी को CGM न्यायालय में प्रार्थना पत्र पर सुनवाई होगी। आपको बता देते हैं कि मेहरता विधायक इंदिरा बावरी, भोपालगढ़ विधायक पुखराज गर्ग की ओर से नागौर CGM कोर्ट और ADJ कोर्ट और राजस्थान हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी का प्रार्थना पत्र लगाने के बाद खारिज हो चुकी थी और 2 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में भी कोई राहत नहीं मिली थी। लेकिन प्रदेश की गहलोत सरकार ने बड़ा राजनीतिक फैसला लेते हुए मेहरता विधायक इंदिरा बावरी, भोपालगढ़ विधायक पुखराज गर्ग पर दर्ज मुकदमे को वापस लेने का फैसला लिया है। नागौर जिले के मेहरता विधायक इंदिरा बावरी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और जोधपुर जिले के भोपालगढ़ विधायक पुखराज गर्ग सहित 24 जनों के खिलाफ CIDCB ने जुर्म प्रमाणित माना और न्यायालय में कोतवाली थाना पुलिस की ओर से चार्जशीट दाखिल की गई थी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के दोनों विधायकों के खिलाफ न्यायालय से वारंट जारी हो चुके थे। 26 फरवरी को न्यायालय में दायर अर्जी पर न्यायालय फैसला। आगे बढ़ते कोटा आपको ले चलते हैं। कोटा संभाग की आज की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं हमारे संवाददाता भवर एस चारण। प्रदूषण की अधिकता का आलम यह कि अब कोटा के औद्योगिक इलाकों में नाले ही उगरने लगे हैं जहरीली गैसें। ताजा मामला कोटा के उद्योगनगर थाना इलाके के DCM इलाके का है, जहां एक नाले से जहरीली गैस के रिसाव के चलते 3 लोग अचेत हो गए, जिन्हें आनंद फानन में MBS अस्पताल लाया गया है। हालांकि फिलहाल तीनों की हालत खतरे से बाहर है, लेकिन तीनों का अस्पताल में इलाज जारी है। घायल हुए एक पीड़ित ने फर्स्ट इंडिया को बताया कि वो लघु शंका के लिए DCM इलाके के एक नाले के पास गया था, लेकिन अचानक से नाले से जहरीली गैस का भभका उठा और वो वहीं पर अचेत होकर के गिर पड़ा। देखते ही देखते आसपास खड़े 2 से 3 और लोग भी लड़खड़ा करके नीचे गिरने लग गए और नाले से जहरीली गैस के रिसाव की खबर पूरे इलाके में आग की तरह दौड़ गई। पूरे मामले की खबर लगने के बाद इस इलाके से कई बार विधायक रहे पूर्व संसद सचिव भवन सिंह राजावत भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने अस्पताल जाकर के सभी घायलों से मुलाकात की। राजावत ने कहा कि इलाके में काम करने वाली औद्योगिक इकाइयों की लापरवाही के चलते ये पूरा हादसा पेश आया है और यहाँ पर अगर घायलों को मुआवजा नहीं दिया गया तो कंपनी के खिलाफ आंदोलन खड़ा किया जाएगा। लोगों का कहना है कि आम आदमी ही नहीं बल्कि इलाके के कई जानवर भी यहाँ जहरीली गैस के रिसाव के चलते और नालों का जहरीला पानी पी करके अकाल मौत का शिकार होते रहे हैं। आगे बढ़ते रुक करते बीकानेर का, बीकानेर संभाग की आज की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे संवाददाता लक्ष्मण राघव। बीकानेर में एक स्कूल के मामले में हाईकोर्ट के आदेश के बाद जमीन का मालिकाना हक मालिक को देने के निर्देशों के बाद स्कूल को अन्यत्र शिफ्ट करने का मामला गर्मा गया है। दरअसल लोग यहाँ चाहते हैं कि सरकार ऐसी कोई व्यवस्था करे कि दूसरी जगह ये सरकारी स्कूल चल सके, लेकिन शिक्षा विभाग इसे गंभीरता से नहीं ले रहा है। इसको लेकर आज पूर्व मेयर अशोक आचार्य और पूर्व पार्षद गिरिराज जोशी ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। दोनों नेताओं का कहना था कि ये जनता से जुड़ा मामला है जिस पर शिक्षा विभाग गंभीर नहीं है। इस इलाके में जो गरीब बच्चे रहते हैं वो पढ़ने कहाँ जाएंगे। उनकी मांग है कि पूरे मामले में सरकार ध्यान दे और शिक्षा विभाग इस पर एक्शन लेकर इस स्कूल को कहीं अन्यत्र शिफ्ट कराए। दरअसल हाईकोर्ट के आदेश मानने के चलते अब ये स्कूल एक तरह से बंद हो जाएगा। पूर्व मेयर का कहना था इस तरह की मामलों में शिक्षा विभाग को गंभीरता दिखानी चाहिए। आगे बढ़ते बात करते हैं जोधपुर की, जोधपुर संभाग की आज की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे संवाददाता सुभाष त्रिवेदी।
जिले के प्रभारी मंत्री शाले मोहम्मद मंगलवार को एक दिवसीय यात्रा पर पाली प्रवास पर रहे हैं। उन्होंने सर्किट हाउस में जनसुनवाई करते हुए लोगों की समस्याओं के समाधान के निर्देश जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन को दिए हैं। तो जिला परिषद सभागार में लगभग 3 घंटे तक अधिकारियों की बैठक ली है। बैठक के अंदर राजस्थान सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उसका लाभ तत्परता के साथ कैसे आम जन तक पहुँच पाए उसको लेकर दिशा निर्देश देने के साथ साथ विभागवार समीक्षा की है। इस मौके पर वैक्सीनेशन अभियान को लेकर जो अभियान जिले में संचालित किया जा रहा है और मार्च माह में आम जन तक कोरोना वैक्सीन के टीके लगाए जाएंगे उसको लेकर भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। खास बात यह है कि 3 घंटे की बैठक के अंदर साले मोहम्मद ने स्पष्ट कर दिया कि सरकार की मंशा के अनुरूप ही तमाम अधिकारियों को काम करना होगा। इसके अलावा उन्होंने पुलिस विभाग से भी कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर काफ़ी जानकारियां प्राप्त की हैं और प्राप्त करने के बाद कैसे आम जन में पुलिस के प्रति विश्वास उत्पन्न हो उसको लेकर दिशा निर्देश दिए हैं। इस बैठक की खास बात यह थी कि कांग्रेस नेता महावीर सिंह, नीलम बिड़ला सहित जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे, जिनकी मौजूदगी के अंदर तमाम अधिकारियों को समय और सूचीबद्ध कार्य करने के लिए निर्देशित किया है। अब देखना यह है कि जिला प्रभारी मंत्री के निर्देशों की पालना जिला प्रशासन किस कदर कर पाता है। आगे बढ़ते हैं उदयपुर, आपको लिए चलते हैं उदयपुर संभाग की आज की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे संवाददाता रवि शर्मा। उदयपुर पुलिस का जारी है खास अभियान। वर्षों पहले गुम हुए मोबाइल फोन को पुलिस अपनी टेक्निकल और साइबर टीम के सहायता से पहुंचा रही है असली मालिकों तक। आज भी पुलिस लाइन में उदयपुर पुलिस के अधिकारियों ने करीब 170 से ज्यादा वर्षों पहले गुम हुए मोबाइल उनके असली मालिकों को सौंपे। उदयपुर पुलिस का एक खास अभियान इन दिनों गुमशुदा हुए मोबाइलों को उनके असली मालिकों तक पहुंचा रहा है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राजीव पचार के निर्देशन में शुरू किए गए इस अभियान के तहत पुलिस टीम अब तक करीब 500 से ज़्यादा मोबाइल उनके असली मालिकों तक पहुंचा चुकी है। इसी क्रम में आज पुलिस के अधिकारियों ने 170 से ज़्यादा मोबाइल फोन्स को साइबर टीम की सहायता से खोज निकाला और उनके असली मालिकों को सुपुर्द किया। दरअसल उदयपुर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राजीव पचार के निर्देशन में इस अभियान की शुरुआत की गई थी। इससे पहले भी जिला पुलिस ने करीब 350 से ज़्यादा मोबाइल बरामद किए और उनके असली मालिकों को सुपुर्द किए। आगे बढ़ते रुक करते भरतपुर का, भरतपुर संभाग की आज की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हमारे संवाददाता रवि कटारा। भरतपुर संभागीय आयुक्त पीसी बैरवाल ने भरतपुर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में विभिन्न विभागों की विभागीय योजनाओं में हुई प्रगति की ली समीक्षा बैठक की जनसुनवाई। बैठक में संभागीय आयुक्त पीसी बैरवाल ने विकास योजनाओं की विभागवार प्रगति की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने PHED विभाग के अधीक्षण अभियंता को निर्देश दिए कि वे जिले में पेयजल समस्याग्रस्त गाँवों को चिन्हित कर टैंकरों से पेयजल सप्लाई करने हेतु दरें निर्धारित करने के लिए समय पर टेंडर की प्रक्रिया पूर्ण करें। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को निर्देश दिए कि वे मेडिकल चिकित्सालय की लैब जांचों के संचालन का समय सुबह 8 से रात्रि 8 बजे तक करें। बैठक लेने के बाद संभागीय आयुक्त ने जनसुनवाई की। राजस्थान संपर्क पोर्टल 181 पर दर्ज प्रकरणों को निर्धारित समय पर निस्तारित करने के निर्देश भी दिए। बैठक और जनसुनवाई के दौरान जिला कलेक्टर नथमा डिटेल, ADM प्रशासन बीना महावर, ADM शहर KK गोयल, UIT सेक्रेटरी नीलमा तक्षक, नगर निगम आयुक्त राजेश गोयल, उपनिदेशक महिला बाल विकास मोनका बलारा सहित कई अधिकारी